तो भाई ये है छोटा सा एक्शन कैमरा जिसको आप कहीं भी लेके घूम सकते हो। स्पेसिफिकली व्लॉगर्स के लिए तोहफा है, और आजकल सब व्लॉगिंग कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं ही व्लॉगिंग कर लेता हूँ। और गाइज मैं पार्क में आया हूँ अपने दोस्तों के साथ एकदम ऐसे वीडियो शूट करने। यहाँ पे हमारे को मिलता है सफेद सा बॉक्स और इसके ऊपर बन रख के सुंदर सी डिवाइस हमारी। ओ भाई साहब यहाँ पे चिपक क्या है भाई ये मैग्नेट के थ्रू। और उसके अंदर हमारे को एक यूजर गाइड का बड़ा सा पर्चा मिल जाता है, एक ये क्लिप सा मिल जाएगा हमारे को, ये शायद कैप पे लगने वाला क्लिप है, और एक ये लॉकेट मिल जाएगा जो पीओवी शॉट्स निकालने के काम आएगा हमारे। और ये हमारा एक्शन पॉड जिसके अंदर एक्चुअली हम अपना कैमरा लगाएंगे फॉर चार्जिंग या डिस्प्ले वगैरह अगर देख रही हो। और इसके अंदर फ्लिप स्क्रीन है भाई, क्या तगड़ा लग रहा है देख रहे हो। और एक छोटा सा माउंट मिल जाएगा जो हम ट्राइपॉड पे लगा सकते हैं। और एक छोटा सा व्हाइट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर मिल जाएगी एक टाइप ए टू टाइप सी केबल। और क्या मसाला छुपा रखा है भाई साहब। ओके थोड़ी ये पुड़िया मिल जाएगी करने वाली। और इसके अंदर से हमारे को छोटा सा एंगल भी मिलता है, ये पीओवी शॉट्स में काम आता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। उसके अलावा मिल जाती है यहाँ पे पुस्तक की बातचीत और थोड़े बहुत स्टिकर, ये चिपकाओ अपनी छाती पे। और इसके लेंस के ऊपर हमारे को एक लेंस गार्ड भी मिलता है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। बाय चांस खराब हो जाए या टूट जाए तो इसकी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, जो आपको $10 का मिलेगा। ये छोटा सा लेंस गार्ड वेरी चीप। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारी सुंदरता एक्शन पॉड और हमारे कैमरा की। यहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे इंस्टा 360 GO 3 की ब्रांडिंग हो रखी है, और यहाँ पे एक लॉक बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करोगे उसके बाद आप ये कैमरा निकाल सकते हो। और इसके अंदर कैमरा मैग्नेट के थ्रू ऐसे चिपक जाता है। और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा फॉर चार्जिंग। और नीचे हमारे को यहाँ पे माउंट मिलता है जिसके ऊपर ये वाला माउंट जो आपको दिखा रहा था ना अनबॉक्सिंग के टाइम पे, वो ऐसे लग जाएगा। हर चीज के अंदर मैग्नेट वाला हिसाब है। यहाँ पे अनलॉक ऐसे करना हो तो इसको दबा कर सकते हो और लगाएंगे ऐसे खट से एकदम सेट हो जाता है, और ये ट्राइपॉड के ऊपर लग जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में हमारे को स्पीकर मिल जाता है, उसके अलावा पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, और यहाँ पे क्विक मेन्यू का बटन मिलता है, और ये ऊपर हमारा मेन बटन है फॉर रिकॉर्डिंग या फिर फोटो क्लिक वगैरह अगर आपको करनी हो। और इसके जो कैमरा का वेट है हमारे को 35-36 ग्राम के आसपास मिलता है, और जो इसका एक्शन पॉड है वो हमारे को 93-94 ग्राम का मिलेगा। और अगर दोनों को साथ में लगा देते हैं तो टोटल मान लो भाई साहब 130 ग्राम के आसपास हो गया, सिंपल मैथ्स। और ये वाला जो माउंट है ना वो डायरेक्टली हम इसके कैमरा पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कैमरा पे भी हमारे को दोनों तरफ अटैचमेंट मिल जाती है इस तरीके से ट्राइपॉड वगैरह पे अगर सेट करना हो। और ये जो छोटे वाला कैमरा है इसके ऊपर भी यहाँ पे हमारे को बटन मिलता है, इस वाले बटन से हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग चालू हो गई और ये रिमोटली काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारे को दो माइक्रोफोन मिलते हैं, एक सामने की तरफ है नीचे की तरफ, और एक यहाँ पे ऊपर की तरफ है। और गाइस मैं पार्क में आया हूँ, यहाँ पे मैं खेलूंगा दोस्तों के साथ। और यहाँ पे ऑडियो के कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे विंड रिडक्शन है, स्टीरियो है, डायरेक्शन फोकस है, तो जिस टाइप की आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो ऑप्शंस यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे विंड तो हम पैदा कर नहीं पाए, तो हमने सोचा टू व्हीलर पर घूम लेते हैं, देखते चला गए, तो ऐसी माइक की क्वालिटी मिलेगी अगर आप तेज हवा में भी व्लॉगिंग करते हो इस कैमरा से। और इसका जो कैमरा है वो IPX8 रेटेड है। और जिसका एक्शन पॉड है वो IPX4 रेटेड है, तो अगर थोड़ा बहुत पानी वानी भीग जाए तो बच जाएगा, ज्यादा नहीं भिगा सकते, कैमरा आराम से अंदर बाहर कुछ भी। और ये कुछ इसके कैमरा के सैंपल्स है। कैमरा मुझे इसका बिल्कुल खास नहीं लगा, ये प्रॉपरली वीडियो के लिए ही बना रखा है कैमरा। फोटो का तो बस एक मोड दे दिया काम चलाने के लिए, कुछ हमने HDR और non-HDR में फोटोज खींची थी, बिल्कुल भी फोटोज में डिटेल वगैरह इतनी है नहीं। इसको जब हम फोटो मोड पे यूज करते हैं ना, इसके अंदर कोई भी ना जूमिंग का फीचर नहीं है, बस यहाँ पे हमारे को दो मोड्स मिलेंगे, एक अल्ट्रा और एक लीनियर। और ये इसकी स्टेबिलाईजेशन का आप अंदाजा लगा सकते हो, मैं नॉर्मली यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ और ये कुछ ऐसी फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है, और अब ये शॉट में भागते हुए निकाल रहा हूँ, और भागते हुए कुछ इतनी स्टेबिलाईजेशन आपको मिल जाएगी इस कैमरा से। और ये मैं आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पे दिखा रहा था ना, ये इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे जब ये चेस्ट पे आएगा तो इसका पीओवी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ताकि आपको थोड़े नीचे के शॉट मिल जाए, या अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लगाओगे तो यहाँ से ऊपर के शॉट मिल जाएंगे, थोड़ा सा पीओवी चेंज हो जाता है। और इसको कुछ इस तरीके से कैप पे माउंट कर सकते हैं, एंड उसके बाद कुछ पीओवी वीडियो बनानी हो तो ऐसी बन सकती है,
यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे ये है और ऐसी कुछ वीडियो है। और ये कैप वाली अटैचमेंट हमने हेलमेट पे कुछ इस तरीके से लगाई थी और उसके बाद टू व्हीलर का पीओवी शॉट इतना स्टेबल, भाई गड्ढों में आने के बावजूद भी ये स्टेबल ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और अगर आप आउटडोर शूट करने और आप अकेले हो, आपको इसको कहीं पे सेटअप करना है, तो भाई ये मेटल पे भी कुछ इस तरीके से लग जाएगा और आराम से अपनी वीडियो आप ऐसा बना सकते हो। कच्चा बादाम। और यहाँ पे ये वाला माउंट मैंने दिखा था ना जो बॉक्स से निकला था, इसके साथ आप कोई सेल्फी स्टिक वगैरह भी लगा सकते हो। हमारे पास ये वाली स्टिक है, ये इसके बॉक्स में नहीं आएगी, सेपरेटली बाय करनी पड़ेगी, बाकी नॉर्मली कोई भी लग जाती है। और ये ऐसे खोल के और उसके ऊपर कैमरा कुछ इस तरीके से आप लगा लो और हवा में अपनी स्टिक करके कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, तगड़ी एकदम एरियल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो जैसे ड्रोन से होती है ना, कुछ इस तरीके से। इसका कैमरा इसके एक्शन पॉड से अलग कर सकते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो हमारा एक्शन पॉड है ना एज अ रिमोट कंट्रोल काम करेगा। ये मेरा कैमरा है और यहाँ पे सारी की सारी फुटेज वो शो कर रहा है। तो अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो, ये आपको कहीं पे चिपका के रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, तो ये आपके बहुत काम आएगा। और ये मैग्नेट का फायदा उठाने के लिए हमने इसको बाइक पे आगे चिपकाया और उसके बाद कुछ ऐसी फुटेज निकल गई थी, बाइक का पीओवी आप देख सकते हो क्या तगड़ा है। तो व्लॉगिंग में इसको कैसे कैसे यूज करना वो आप समझ गए होंगे। एंड सिमिलरली इसकी ये वाली अटैचमेंट थी ना, ये हमने कार के इस साइड पे चिपकाई थी और उसके बाद आप टायर की फुटेज देख सकते हो क्या तगड़ी लग रही है यहाँ पे। बट ये जो चिपकने वाली अटैचमेंट है ना, हमने दो तीन बार चिपकाई और उसके बाद भाई ये चिपकनी बंद होगी, मतलब इसकी जो ग्लू थी वो खत्म होगी। पहले मुझे लग रहा था इसके अंदर वैक्यूम वगैरह होगा, लेकिन ये वन टाइम यूज टाइप की ही निकली। और इसके अंदर भाई बहुत तगड़ा फीचर है टाइम शिफ्ट करके, इसके अंदर हमें टाइमलेस टाइप की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो इतनी स्टेबल रिकॉर्ड होती है। और पोस्ट प्रोसेसिंग में हम चाहे तो उसकी स्पीड स्लो डाउन भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, बढ़िया टाइमलैप्स बनाने के लिए। और इसके अंदर हमारे को स्टार लैप्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टार लैप्स वही जो हमारे को S23 अल्ट्रा में भी मिला था, जिसके अंदर हम सितारों की फोटो एकदम ट्रेल्स के साथ खींच सकते हैं। ये भी एक टाइमलैप्स तरीके का ही होता है, बट इसके अंदर भाई फुटेज बहुत तगड़ी आती है। हम तो नहीं पर्सनली खींच पाए, ऑनलाइन फुटेज ही मैं लगा रहा हूं यहां पे, क्योंकि हमारे शहर में बारिश ही इतनी है भाई साहब, तारे ही नहीं दिख रहे पिछले एक महीने से। और एक यहां पे हमारे को फ्री फ्लो वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर हमारा रेशियो कैमरा का लॉक हो जाता है। हमारा कैमरा जैसे भी टर्न करता रहे लेकिन वीडियो का रेशियो चेंज नहीं होता, वीडियो बिल्कुल एज इट इज स्टेबल रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे हमारा जायरोस्कोप काम में आता है और इस कैमरा के अंदर आप स्लो मोशन भी कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे हमने गुब्बारा फोड़ के देखा, ओहो एकदम स्लो मोशन में पानी बहता चला गया। और यहाँ पे मैक्सिमम 2.7K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एट 30 FPS, एंड अगर आपको 50 FPS पे करनी है तो 1440p पे रिकॉर्डिंग करेगा। और तो और इसके अंदर हम रेशियो भी सेट कर सकते हैं, अगर रीले वीले बनाते तो 9:16 पे कर लो, और चाहो तो आप लैंडस्केप में भी रिकॉर्ड कर सकते हो 16:9 में। और इसके अंदर एक लूप रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर टाइमिंग सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा, उस पर्टिकुलर टाइम बाद पुरानी रिकॉर्डिंग डिलीट करता रहेगा। तो यहाँ पे आप कार के सामने एज अ डैश कैम यूज करना चाहते हो या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हो और आपको कैमरे की स्टोरेज भी फिल नहीं करनी, तो ये वाला मोड वहाँ पे काम आ जाएगा। और इसके कैमरा के अंदर हमारे को वॉइस कंट्रोल के फीचर मिलते हैं, जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेट कर रखी है, तो आप देख सकते हो बहुत सारे कमांड है, जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग देख लो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो इसने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और इसका वॉइस कंट्रोल भाई बहुत प्रिसाइज है, तो अगर आप दूर से खड़े हो गए, अगर फोटो वोटो लेनी हो भाई, टेक फोटो बोलेंगे एकदम खचाखच फोटो। और हमारे पास जो वेरिएंट है 64GB वाला, जो आपको आज के डेट में 39,000 के आसपास मिल जाएगा। इसके अंदर 32GB और 128GB का ऑप्शन भी है, तो आपकी जैसी जरूरत आप उसके हिसाब से बाय कर सकते हो। और भाई जैसे कि एक्शन कैमरा है, दुनिया भर की एक्सेसरीज आती है इसके साथ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाके देखोगे, बाकी थर्ड पार्टी एक्सेसरीज भी आती है, कुछ स्किन्स वगैरह भी आती है। तो अगर आपको ज्यादा तिगड़म लगानी है अपनी व्लॉगिंग वाली जिंदगी में, तो वो सारी चीजें आप इस पर कर सकते हो। और इस छोटे से कैमरे में हमारे को 310mAh की बैटरी मिल जाती है, और जो हमारा पीछे का एक्शन पॉड है इसके अंदर 1270mAh की बैटरी है, और भाई अच्छा खासा बैटरी वगैरह मिलता है। 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो इसके, अगर आप सिर्फ कैमरा को यूज करोगे। और अगर ये एक्शन पॉड इंक्लूड कर देते हो जिसके अंदर अपनी बैटरी है, तो आपको 2 आवर्स अप्रॉक्स की रिकॉर्डिंग करवा देगा, जो कि भाई बहुत होती है। और चार्ज होने में भी ऐसा ज्यादा टाइम लगता है, 35 मिनट्स लगते हैं इसका कैमरा को चार्ज होने में, और 1 आवर अप्रॉक्स लगते हैं इसके एक्शन पॉड को 100% चार्ज होने में। तो अगर आपको ट्रिप पे मानो 1 घंटा, मतलब बस ध्यान रखना। यहाँ पे हमारे को F2.2 अपर्चर मिल जाता है, और 11.24 की फोकल लेंथ है, 9 मेगापिक्सल का कैमरा है, और वीडियो बिटरेट 80 Mbps तक रिकॉर्ड कर देता है, और H.264 वीडियो कोडेक को सपोर्ट करता है। 6 एक्सिस जायरोस्कोप आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, वाईफाई 5 GHz वाला है, 64GB इंटरनल मेमोरी है, और रैम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिसका UI वो बढ़िया चलता स्मूथ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वाईफाई का क्लियर कर दूं, इसके अंदर कोई नेटवर्क नहीं चलता, जब हम फोन से कनेक्ट करते हैं ना तो उसमें वाईफाई चाहिए होता है, तो वो वाला वाईफाई इसके अंदर है जो कनेक्शन में काम आएगा। और इसके साथ हमारे को Insta360 की ऐप भी मिल जाती है, जो आप एंड्रॉइड और iOS दोनों में डाल सकते हो, और इससे आप डायरेक्टली अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हो और दुनिया भर के फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लोर ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर इनके प्रोडक्ट्स वगैरह, लोगों की अलग अलग टाइप की वीडियोस है जो आप देख सकते हो, और अलग अलग प्रोडक्ट से बना रखी है जो लोगों ने, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देन एल्बम आ जाएंगी, यहाँ पे मेरे Go 3 की सारी वीडियो शो कर रहा है जो हम इससे रिकॉर्ड कर चुके हैं, और यहाँ पे कैटेगरीज भी है, वीडियोस, फोटो, स्टैंडर्ड वीडियो, टाइम लैप्स। जैसी जैसी कैटेगरी की वीडियो आप रिकॉर्ड करोगे वो सारी ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हो उसी को टैप करके। एंड यहाँ पे कैमरा का बटन आता है, जिससे हमारा कैमरा का प्रीव्यू हम ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जहां जहां मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ, वो ये फोन में रियल टाइम दिखा
दिखा रहा है प्रीव्यू, और यहीं से आप चाहो तो अपना कैमरा वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। उसके अंदर मोड्स वगैरह और बाकी सारी सेटिंग जो आप इसके स्क्रीन से टॉगल कर सकते हो वो डायरेक्टली ऐप से भी टॉगल हो जाएगी। एंड देन हमारे को स्टोरीज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से वीडियो बना सकते हैं जो जो हमने इससे रिकॉर्ड कर रखी है। इसके अंदर एक ऑटो एडिट वाला ऑप्शन भी है, वीडियो आप एड कर दो उसके बाद अपने हिसाब से एक तगड़ी सी वीडियो बना के दे देगा, हाईलाइट टाइप की, मतलब AI टाइप की वीडियो एडिटिंग है इसके अंदर। उसके अलावा एंड में सेटिंग्स मिल जाती है जिसके अंदर आप सारी चीजें टॉगल कर सकते हो, अपना अकाउंट वकाउंट हो गया, वाटरमार्क वगैरह हो गया। और यहाँ पे हमारे को ना इसका पीसी का सॉफ्टवेयर मिल जाता है Insta360 स्टूडियो करके, और यहाँ पे सारी हमारी फाइल्स वगैरह दिखा देगा। राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, फील्ड ऑफ व्यू के ऑप्शन मिल जाते हैं, हर एक वीडियो और फोटो का फील्ड ऑफ व्यू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे एडिटिंग करने के लिए, और जैसे हमारी फोटो है तो उसका हम यहाँ पे रेशियो चेंज कर सकते हैं, और जैसे हमारी वीडियो है इसके अंदर भी हमारे को डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के ऑप्शन मिल जाते हैं। बस एक बार रिकॉर्ड करो और आप सारे के सारे कन्वर्जन इसकी पीसी की ऐप से कर सकते हो। वैसे तो इसकी फोन की ऐप से भी कर सकते हो, बट वही सारे फीचर्स आपको बड़ी स्क्रीन पर करना हो तो यहाँ कर लो। अब यहाँ पे जरा कैमरा की UI देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को स्क्रीन ऐसी मिल जाएगी जिसमें पूरा का पूरा लाइव प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑन द गो फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे वॉल्यूम का फीचर, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, उसके अलावा रोटेशन वगैरह लॉक करनी हो एंड यहाँ पे भी और ज्यादा फीचर्स है। उसके अलावा स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे HDR फोटो, फोटो वीडियो, टाइम लैप्स, उसके बाद स्लो मोशन, जितने भी आपको क्रिएटिविटी करनी है सारे के सारे मोड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और जिस भी मोड को आपने सेलेक्ट किया होगा स्वाइप अप करोगे तो उसी मोड के आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे वीडियो मोड पे है तो फ्रेम रेट वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे जैसे फोटो मोड है तो उसके अंदर आपको रेशियो क्या रखना है, टाइमर क्या रखना है, तो उस हिसाब से ऑप्शन चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस में काफी सारे फीचर्स हैं जो यूजर टू यूजर वेरी करेंगे अगर आप खरीदोगे तो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं छेड़ने के लिए। तो भाई ये था मेरी तरफ से Insta 360 Go 3 का पूरा रिव्यू, और भाई ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के ऑडियंस को टारगेट करता है जिनको कुछ नया करना है अपनी सोशल मीडिया लाइफ में, कुछ ऐसे तड़कती भड़कती चीजें दिखानी है जैसे मैंने आपको सारी वीडियो में दिखाई, पानी के अंदर जाना है, बाइक पे लगाना है, या कुछ भी आपको POV शॉट लेने हैं अपनी व्लॉगिंग में, कंटेंट क्रिएशन में कुछ तड़के लगाने हैं, तो उन लोगों के लिए डिवाइस है। इसके लिए कोई रिकमेंडेशन के वर्ड नहीं होते, जिसको लेगा मेरी जरूरतों को पूरा करेगा तो वो उसको बाय कर सकता है। लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, इसके बारे में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई सजेशन क्वेरी या फीडबैक हो वो भी लिख देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।